हेलो एवरीवन मैं हूं प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेसप विद प्रीत जहां मैं आपसे शेयर करती हूं हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस आज की वीडियो जो है मीशो हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज की वीडियो में ना मैं कुछ आपसे रेडीमेड ब्लाउजेस शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अपकमिंग फेस्टिवल्स में करवा चौथ पे दिवाली पे और वेडिंग सीजन के अंदर जो है अपनी साड़ीज़ के साथ लहंगा स्कर्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं इन सब के लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं परचेज़ कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो जो फर्स्ट ब्लाउज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये ब्यूटीफुल से ब्राइट येलो शेड के अंदर पूरे के ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी और सिप्पी जो आपका सीक्वेंस वर्क होता है ना उसकी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पैडेड ब्लाउज है मैंने जो इनके अंदर साइज लिया है ना कुछ के अंदर थर्टी फोर लिया है कुछ लिया है मतलब कई alterable भी है कई -alterable भी 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 हैं 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 और जो जो था था ना 36, 34, मैंने दोनों मंगवा लिए उस तो आप चेकआउट कर लेना अपने बस साइज के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा साइज अच्छे से फिट होगा मेरे को इसकी इसका जो फैब्रिक है ना ये पॉलिएस्ट्रल मटीरियल है पूरे पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी गई है हाफ स्लीव है स्लीव्स पे पूरी ऐसे एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट में भी पूरे इसके एम्ब्रॉयडरी दी गई है और एम्ब्रॉयडरी जो है ना काफ़ी फिनिशिंग के अंदर है मतलब बेकार एम्ब्रॉयडरी नहीं है अच्छी क्वालिटी में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पीछे से जो है इस तरीके से डीप नेक है इसका और आपको जो है पीछे हुक्स की डिटेल दे रखी है ये आई गेस आप अपने बस साइज के अकॉर्डिंग इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं अगर आपको साइज मेरे को ये सब ना लूज है क्योंकि आ, मेरा बस साइज थर्टी फोर है लेकिन बहुतों में थर्टी फोर साइज अवेलेबल नहीं था लेकिन ऑल्टरेबल वाले अवेलेबल थे तो मैंने इसलिए वही ऑर्डर कर ली है मैं उनको ऑल्टर कर लूंगी स्वीट हार्ट नेक इसका बना हुआ है और आगे जो है इसके चोली वाला डिजाइन जो होता है ना प्रॉपर ब्लाउज की चोली उस तरीके का डिज़ाइन दिया हुआ है ट्राई ऑन में देख लो कि इस तरीके का लग रहा है मैंने इसको ब्लैक स्कर्ट मेरे पास जो ब्लैक स्कर्ट है मैंने अमेजोन से ली थी उसके साथ मैंने इसको स्टाइल किया है पीछे जो है डोरी दी है बांधने के लिए और साथ में उसके टेसल्स दे रखे हैं सो so, ये था फर्स्ट ब्लाउज सेकेंड ब्लाउज जो है बहुत ही सुंदर ब्राइट रेड कलर के अंदर है अप्रोप्रिएट फॉर फेस्टिवल्स करवा चौथ वेडिंग सब चीजों के लिए अप्रोप्रिएट है ये इस तरीके से राउंड इसका नेक है राउंड uh, नहीं स्वीट हेट स्टाइल के अंदर इसका नेक दिया हुआ है टेसल्स की डिटेल दे रखी है पीछे डोरी बांधने के लिए दे रखी है हाफ स्लीव्स हैं स्लीव्स पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट पे पूरे एम्ब्रॉयडरी अगेन पैडेड है ये पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी वाला आगे से पीछे से जो है ना ये प्लेन है फ्रंट में इसके पूरे एम्ब्रॉयडरी है इस तरीके तरीके से क्लोज लुक में आप देख लो किस तरीके की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पीछे से प्लेन है और आगे से इसके फुल सीक्वेंस वर्क और धागे की कढ़ाई हो रखी है फैब्रिक मटेरियल जो है ना इसका कॉटन सिल्क फैब्रिक वाला जो मटेरियल होता है ना वो वाला फैब्रिक है पर इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जिन 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 प्राइस में मैंने ब्लाउज ऑर्डर करे ना अच्छी क्वालिटी आई है एम्ब्रॉयडरी और वर्क और फिनिशिंग के अकॉर्डिंग सो आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लाउज जो है डार्क ग्रीन शेड के अंदर है बेस्ट कलर वेडिंग सीजन और फेस्टिवल सीजन के लिए सभ्य साची इंस्पायर्ड ब्लाउज है ये आगे से कटोरी वर्क वाला ऐसे जो डिजाइन आपको दे रखा है अगेन पैडेड है ये स्लीव पे इस तरीके से जरी की एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क हो रखा है सिल्क फैब्रिक है इसका कॉटन सिल्क वाला फैब्रिक जो होता है आगे से ऐसा है ये पीछे से भी इसके फुल एम्ब्रॉयडरी दी गई है हैवी ब्लाउज है इसको आप कंट्रास्ट पिंक साड़ी के साथ रेड साड़ी के साथ पहनो आप गोल्डन साड़ी के साथ इसको पहन लो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर की साड़ी के साथ ना आपका ये कंट्रास्ट करके आप इसको पहन सकते हैं अच्छा लगेगा पहना हुआ अगेन इसका साइज जो है मेरे ख्याल से थर्टी फोर ऑल्टरेबल है ये ऑल्टर हो सकता है पीछे से इसके हुक की डिटेल दे रखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लाउज जो है Uh, वो मैंने ये पर्पल शेड में मंगवाया है ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर ये जो है ना सेम इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स अमेजोन पे भी अवेलेबल है पर उनके साइज प्राइजेज आई गेस थोड़े अलग हैं इस तरीके से बोट नेक के अंदर है ये हाफ इसकी स्लीव्स हैं पूरे पे ऐसे ब्रोकेड पूरा अच्छा ब्रोकेड वर्क वाला काम हो रखा है और आगे से ऐसा है पीछे से इस तरीके का है ये चोली कट चोली कट इसका जो है ना ब्लाउज का डिज़ाइन है और इसके बैक के ऊपर जो है हुक्स दे रखी हैं बैक के ऊपर आगे की तरफ हुक्स नहीं है बैक की साइड पे है और जितने भी ब्लाउज है ब्लाउजेस तो मैंने आपसे शेयर करा ना इन सब के अंदर जो अस्तर लगा हुआ है इसमें भी आपको कॉटन की कॉटन का अस्तर मिल जाएगा मतलब तो तो चुभने वाला कपड़ा नहीं है फैब्रिक फैब्रिक इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है अच्छी क्वालिटी के अंदर है इसको भी आप कंट्रास्ट कर करके पहन सकते हैं सेम इसी ब्रांड का ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर है ना मैंने एक मरून शेड में भी ब्लाउज लिया है वी नेक के अंदर ये आपका ब्लाउज है स्लीवलेस ब्लाउज है और आगे से इस तरीके का है ये पीछे से इस तरीके का है चोली कट के अंदर अगेन इसका डिजाइन दिया गया है फैब्रिक इसका ब्रोकेड मटेरियल है अंदर इसके लाइनिंग जो है आपको फैब्रिक के अंदर अस्तर आपको कॉटन मटेरियल के अंदर दिया गया है गुड क्वालिटी के अंदर है दोनों सेम सेलर से हैं सेम ब्रांड से हैं और मैंने दो डिफरेंट कलर इसलिए ऑर्डर करें क्योंकि मेरे को पर्पल भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे मरून मरून तो वैसे भी फेस्टिवल्स का कलर होता है तो मैंने इसीलिए उसको ऑर्डर किया है नेक्स्ट ब्लाउज जो है वो मैंने ये पिंक शेड में ऑर्डर किया है डार्क पिंक कलर का ये ब्लाउज है आपका अगेन पैडेड जो ब्रोकेड वाले ब्लाउज है वो पैडेड नहीं है बाकी सब blouses जो ऑलरेडी पैडेड है इस तरीके से पैडेड ब्लाउज है ये स्लीवस पे आपको ऐसे क्रॉस वर्क स्क्वेयर स्क्वेर एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी जरी वाली पूरे पे जरी दे रखी है आपको फ्रंट में इस तरीके से पूरे पे जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है नेक के ऊपर यहाँ पे नीचे और इनफैक्ट इसके पीछे भी आपको जो है जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी लटकन टेसल्स दे रखे हैं विद लटकन प्राइस के अकॉर्डिंग सही है ये फैब्रिक इसका जो है कॉटन सिल्क मटेरियल है बहुत देखो अब उन्होंने ब्लाउजेज में इतना काम दे दिया है ना कि मटेरियल फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन आपका काफी बार आप इसको पहन सकते हैं और आप इसको वॉश जो है ना ऐसे ब्रश से रगड़ रगड़ के तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि डेलीकेट से ब्लाउजेज़ हैं और पैडेड की क्वालिटी जो है ना सबके अंदर डिसेंट क्वालिटी है चीप क्वालिटी के ब्लाउज नहीं है या मतलब चीप क्वालिटी के पैड्स नहीं है या बहुत हाई क्वालिटी के पैड्स नहीं है डिसेंट क्वालिटी के अंदर है इसको भी जो है बहुत चीज़ों के साथ कंट्रास्ट करके पहन सकते हैं अच्छा लगेगा मैंने अपने ना सारे जो है अपनी एक ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ ही स्टाइल करके दिखाया आप देख सकते हैं नेक्स्ट ब्लाउज जो है मैंने लिया है ये रेड कलर के अंदर वी इसका नेक है स्लीवलेस ब्लाउज है बेस्ट पार्ट इस इसमें आपको अटैच के लिए अलग से स्लीव्स भी दी गई हैं कि अगर आपको स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनना तो आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं पैडेड के अंदर है पीछे से काफी डीप इसका नेक है अच्छा है ये बहुत ही सही मतलब मुझे अच्छा लग रहा था ना ये पहना हुआ भी मुझे अच्छा लग रहा था काफी सही लग रहा है लूज है मैं टाइट कर लूंगी इनको इस तरीके का ये है इस पे भी जो है ना धागे की एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस वर्क स्टोन मिरर वर्क हो रखा है ये मिरर्स जो है ये फेक मिरर्स हैं ओरिजिनल मिरर्स नहीं है अब इतने में तो ओरिजिनल मिरर मिलेंगे भी नहीं और ओरिजिनल मिरर ना वैसे भी चुभते हैं अगर आप पहनोगे ना तो चुभेंगे अटकेंगे भी और चुभेंगे भी ये इसका फैब्रिक भी जो है अगेन कॉटन सिल्क वाला फैब्रिक है अच्छा है पहना हुआ अच्छा लगेगा आप भी इसको भी जो है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स के साथ पहन सकते हैं लास्ट एंड फाइनल ब्लाउज देखते हैं कौन सा लास्ट पीस जो है मैंने ये व्हाइट एंड गोल्ड के अंदर मंगवाया है डीप वी नेक इसका है स्लीवलेस ब्लाउज है इसके अंदर sleeves, इसके अंदर जो है स्लीव्स नहीं दी गई इस तरीके से नेक है फ्रंट बैक से भी पीछे से तो पूरा डीप इसका नेक है अगेन कॉटन सिल्क फैब्रिक में है जरकन जरी वर्क और सिप्पी वर्क हो रखा है इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क इस तरीके से नीचे भी यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी पीछे भी मतलब ये ब्लाउज तो पूरा आपका जो है ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी है आगे भी पीछे भी इसमें और कलर्स भी अवेलेबल थे अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं अदरवाइज मुझे ये कलर भी अच्छा लगा अब ये कलर भी ना आपका बहुत सारे साड़ीज के साथ चल जाएगा आप लहंगा के साथ भी इसको पहन सकते हैं अच्छे लगेंगे पहने हुए तो यस ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्सअप जरूर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही था बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय